मार्केट ओपन होते ही आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है इस पैनल में आप देख पा रहे हो अच्छा खासा यहाँ पे जो बायर्स एंटर हुए, उसके बाद आप देख पा रहे हो मार्केट जो है अप ट्रेंड में निकली है थोड़ा सा, और एंटर होने के बाद यहाँ पे फिर से बायर्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे फिर से बायर्स एंटर हुए हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों आप देख पा रहे हैं, और ये जो टूल मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही बढ़िया से वर्क करता है मार्केट में, आप देख पा रहे हो कितनी बढ़िया से ये वर्क करता है, और ये जो टूल है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप भी इस टूल को यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, या फिर आप इसे वेब वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा सा डिस्काउंट पाना चाहते हैं इस टूल का तो आप मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, साइनअप कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आपको इस टूल के सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो और साइनअप करते हो। तो सारे बेनिफिट पाने के लिए आप मेरे लिंक से डाउनलोड कीजिए और साइनअप कीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे और एक बड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही बायर्स यहाँ पे एंटर हुए थे तो आपको यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते थे तो आप तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं बायर्स की एंट्री दिखाई दे रही है, अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री लिया होता तो यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको स्कैल्पिंग करके मिल गया होता। ये टूल बहुत ही बढ़िया से वर्क करता है दोस्तों 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और मैं पीछे का थोड़ा बैक टेस्टिंग आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तो बैंक निफ्टी जो है साइडवेज चल रही है, निफ्टी भी थोड़ा सा साइडवेज नज़र आ रही है, इसलिए हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। सुबह जो प्रॉफिट बनाया था कॉल साइड वही प्रॉफिट है, और प्रॉफिट बनाने के लिए ये टूल मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बायर्स इनिशिएट हुए हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कितने बायर्स इनिशिएट हुए, कितने सेलर्स इनिशिएट हुए। अगर बायर्स ज़्यादा इनिशिएट हो रहे हैं तो आप यहाँ पे कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं। ये जो पैनल है इस पैनल में आपको जो है एक स्पाइक दिखना चाहिए ग्रीन कलर का, तब हम समझेंगे कि यहाँ पर बायर इनिशिएट हुए हैं, और यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली होती तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपने बना लिया होता। इस तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेलर्स इनिशिएट हुए हैं, अगर हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि सेलर्स कितने इनिशिएट हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि सेलर्स कितने इनिशिएट हुए हैं। तो इस तरफ हम कर्सर रख के देखेंगे तो यहाँ पे 16,900 सेलर्स इनिशिएट हुए हैं, तो अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री लिया होता तो आपको अच्छा खासा डाउन साइड प्रॉफिट मिल गया होता। तो इस तरह से ये टूल वर्क करता है दोस्तों। इस टूल में और भी बहुत सारे आपको जो है टूल मिल जाते हैं, यहाँ पे इस एप्लीकेशन में बहुत सारे टूल मिल जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या टूल आपको मिलने वाला है इस एप्लीकेशन में। और ये जो टूल है वो ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट आपको दिखाता है वही चार्ट है ये ट्रेडिंग व्यू का, इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। देखिए इंडिकेटर आपको जो लगाने हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, सेम टू सेम जैसे ही ट्रेडिंग व्यू में आपको मिलता है एज इट इज़ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके भी कुछ सीक्रेट इंडिकेटर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑर्डर बुक की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ऑर्डर बुक इंडिकेटर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप पूरी वीडियो जाके देखिए तभी आपको समझ आएगा किस तरह से इस टूल का आपको यूज़ करना है। इस टूल के दूसरे जो टूल है, इस एप्लीकेशन के दूसरे जो टूल है उसका किस तरह से यूज़ करना है। ऑप्शन चेन डेटा आपको इसमें मिल जाता है, इसमें स्कैल्पिंग इंडिकेटर मिल जाता है आपको, स्कैल्पिंग किस तरह से करना है आपको, स्ट्रैटेजिक किस तरह से बनानी है वो भी आपको ये जो एप्लीकेशन है आपको खुद ब खुद स्ट्रैटेजी बना के दे देगी, और आप जो है लो रिस्क में किस तरह से स्ट्रैटेजी बना के प्रॉफिट कर सकते हो, लो रिस्क लेके और ज़्यादा प्रॉफिट आपको ये स्ट्रैटेजी ये एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी बना के देती है, और आप इस एप्लीकेशन से डेली प्रॉफिट कर सकते हो। स्टॉक में भी आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हो ये स्टॉक भी निकाल के दे देती है आपको, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो सारी की सारी, आप जाके देखिए। सारे टूल के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे सेलर्स इनिशिएट हुए, सेलर्स इनिशिएट होने के बाद अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री लिया होता तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपको मिल गया होता स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। तो सेलर्स जब भी इनिशिएट होंगे आपको एक सेलर्स का स्पाइक दिखाई देगा यहाँ पे, और स्पाइक दिखाई देने के बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। जब तक आपको ग्रीन स्पाइस दूसरा नहीं दिखाई देता तब तक आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना है। जैसे इस ग्रीन स्पाइक आपका इस तरह का दिखाई देगा तो आपको यहाँ पे जो है एग्जिट करना होता है, और अगर आप ग्रीन पे कॉल की एंट्री लेते हो, ग्रीन स्पाइक पे अगर कॉल की एंट्री लेते हो तो जब भी आपको रेड स्पाइक दिखाई देगा फिर से, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रीन स्पाइक पर अगर हमने यहाँ पर कॉल पर एंट्री ली होती, यहाँ पर भी कॉल पर एंट्री ली होती
तो जब भी हमें वापस रेड स्पाइक दिखाई देगा इस तरह का, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना होता है। तब तक आप होल्ड कर सकते हो अपनी ट्रेड को और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो स्कैल्प ये अपना होल्ड करके। स्कैल्पिंग में भी ये बहुत बढ़िया से वर्क करता है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो ये टूल आपको बहुत ही बढ़िया मिल गया है स्कैल्पिंग करने के लिए। मैं इसका डेली यूज़ करती हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक ऑप्शन के लिए भी इसका यूज़ करती हूँ। एक एक टूल में और भी लेके आने वाली हूँ वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से ये टूल आपको यूज़फुल होने वाला है, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इस टूल इस एप्लीकेशन के बारे में जो भी टूल है वो सारे के सारे मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है, तभी आपको ये जो टूल है सारे अच्छे से समझ में आएंगे और आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। अभी देखिए लाइव मार्केट चल रही है और अभी अगर हम देखें यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो हमें नज़र आ रहा है लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट चल रही है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसे दिखा रही हूँ। आप आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे थोड़ा ब्रॉड करके नज़र ब्रॉड कर लेते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बायर्स इनिशिएट हो रहे हैं, बायर्स इनिशिएट हो रहे हैं, उसके बाद थोड़े से सेलर्स भी इनिशिएट हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए जब तक हमें कोई अच्छा सा स्पाइक इस तरह का नहीं मिल जाता या रेड कलर में कोई स्पाइक नहीं मिल जाता, तब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो मार्केट अभी जो है साइडवेज चल रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मार्केट अभी साइडवेज चल रही है। तो साइडवेज मार्केट में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना होता है, ये मैं हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ। साइडवेज मार्केट में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, जब तक मार्केट साइडवेज से बाहर नहीं आती तब तक हम वेट करेंगे। और जैसे ही हमें नीचे के इस पैनल में जब तक कोई स्पाइक इस तरह से दिखाई नहीं देता तब तक हम यहाँ पर वेट करेंगे, एंट्री लेंगे। जैसे ही स्पाइक दिखाई देगा रेड कलर का या ग्रीन कलर का, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। स्पाइक कब दिखाई देगा? जब इस साइडवेज जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब हमें स्पाइक दिखाई देगा और तब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ये टूल जो है मदद करता है, आपको हेल्प करता है कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ तक आपको होल्डिंग करना है और कहाँ पे आपको एग्जिट होना है, ये बहुत ही बढ़िया से आपको बताता है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के जो है प्रॉफिट बना सके इस एप्लीकेशन को यूज़ करके और अपना जो लॉस है वो रिकवर कर सके धीरे धीरे। लॉस एक दिन में रिकवर नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आप ऐसा कोई टूल यूज़ करते हो तो आप अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सकते हो मार्केट से। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के जो है अपने लॉस को रिकवर कर सकें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।